हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। एसएससी सीजीएल टियर 2010 का क्वेश्चन है ये। इफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज डिवाइडेड इनटू फोर आइडेंटिकल पार्ट्स देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फोर पार्ट्स इज, क्या हो जा रहा है सर? एक स्फीयर है, इसको यहाँ से तोड़ दिया जाए और यहाँ से तोड़ दिया जाए तो मिल जाएगा चार आइडेंटिकल पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से भी काट दिया जाए तो चार आइडेंटिकल पार्ट्स। और एक एक पार्ट्स कैसे दिखता है सर? एक एक पार्ट्स दिखेगा ऐसा ऐसा करके, एक ये वाला, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन क्या है सर? एक सर्कल का हाफ है, हाफ पार्ट। उधर का, उधर वाला कौन सा है सर? एक सर्कल का हाफ पार्ट, सेम सिमिलर इसी का बैक साइड। तो क्या क्या हो जा रहा है सर? सर टू इंटू हाफ सर्कल फार्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फेस। तो क्या हो जाएगा सर? टू इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये इसका टोटल सर्फेस निकाल रहा है एक पार्ट का। ठीक है, एक पार्ट का। तो दूसरे, और ये जो बैक साइड है इसका, ये वाला बैक साइड क्या हो जा रहा है सर? वन बाई फोर्थ पार्ट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल स्फीयर। तो फोर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर। अगर एक पार्ट का टोटल सर्फेस एरिया टू पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो चार पार्ट ऐसा होगा, तो चार इंटू टू पाई आर स्क्वायर, मतलब एट पाई आर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थ्री। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।